अभी भी यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। देखिए पहले का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। हालांकि देखिए पहले आपको और क्वेश्चन इधर कराए थे, ठीक है, यानी यहाँ से आप 9 नंबर क्वेश्चन से आप देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, हालांकि देखिए द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या होती है, हालांकि देखिए यहाँ पे द्विघात दिया जाएगा, त्रिघात दिया जाएगा, चौघात दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे देखिए द्विघात कर दिया जाएगा या त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, कुछ भी पूछे यहाँ पे देखिए इसके एक बार आप उच्चारण कीजिएगा अपने से, द्वी, द्वी घात का मतलब क्या, द्वी क्या के द्वी, तो यानी कितना रहा है, द्वी आ रहा है ना, यानी दो आ रहा है ना, तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या दो होता है, कौन होता है, दो होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहीं पर त्री, यहीं पर दिया जाता है कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो एक बार उच्चारण कीजिए त्री, क्या के त्री, तो तीन आ रहा है ना, तो आप त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तीन होगा। ऐसा ही चौघात दिया जाएगा, हालांकि चौघात नहीं पूछा जाता है, ठीक है, दो को पूछा जाता है, एक रैखिक पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, रैखिक कहिए या एकाएकी कहिए, बात सेम है, ठीक है, तो रैखिक कहेगा रैखिक या एकाएकी, एक आ रहा है ना, तो उसका द्विघात यानी रैखिक या एकाएकी बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक होगा, द्विघात दिया जाएगा तो दो होगा, और त्रिघात पूछा जाएगा तो तीन होगा। उच्चारण कर लीजिएगा, आपको आपको पूरा इसका पूरा जैसे कि उच्चारण कीजिएगा तो आपको सीधा बुझा जाएगा, यानी द्वि तो यानी द्विघात, तो दो हो जाएगा, त्री यानी तीन यानी त्रिघात तो तीन, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए 9 हो गए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद पहचानने के लिए एक ट्रिक भी आपको पहले आपको सिखाए थे, यानी बहुपद नहीं है आपको पहचानना है, लेकिन बहुपद है कैसे पहचानिएगा तब ना आप छांट पाइएगा। देखिए कैसे आप पहचान पाइएगा, यहां पर देखिए XYZ यानी XYZ के पावर पर यानी इसके माथा पर ऊपर अगर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 यानी पूर्ण संख्या, क्या के पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते चल जाता है ना, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी XYZ के पावर पर यानी इसके माथा पर अगर इनमें से कोई संख्या चल आएगा वो बहुपद होगा, नहीं आएगा वो बहुपद नहीं होगा। नहीं बुझाए, नहीं बुझाए, देखिए XYZ इसमें से कहीं XYZ मिल जाएगा और इसके माथा पर यानी इसके पावर पर ये सब, इसमें से 0 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसे ना कहते हैं जैसे कि देखे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनती के संख्या आप जानते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उससे पहले 0 लगा देते हैं ना तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते अगर इसके माथा पर यानी इसके पावर पर अगर चलाएगा तो बहुपद होगा, नहीं आएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए XYZ आपको तीने को ना अंक बोले हैं, XYZ तो यहाँ पे X मिल गया, तो इसके माथा पर यानी इसके पावर पर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो इसमें एक मिल जाएगा कि नहीं, तो कहिएगा हाँ मिल जाएगा, तो ये तो बहुपद होगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है तो ये तो बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए y² + √2 है, तो हम क्या बोले हैं XYZ यानी ये तीनों में से कोई एक संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे y है, तो इसके पावर पर यानी इसके माथा पर यहाँ इसमें से कोई संख्या आ जाना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जाएगा, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, इसके माथा पर अगर रहेगा तो बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद है, पहले आप इसे समझ लीजिए। जैसे कि देखिए हम क्या बोले हैं XYZ अगर इसके माथा पर यानी इसके पावर पर इनमें से यानी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर कोई इनमें से यानी इनमें से कोई इसके माथा पर यानी इसके पावर पर चल आएगा तो बहुपद होगा, नहीं आएगा तो सीधा सीधी बहुपद नहीं होगा। तो देखिए XYZ तो यहाँ पे एक्स मिल गया, इसके माथा पर यानी इसके पावर यानी पावर जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो इसमें मिल जाएगा कि नहीं, 2, 1 इसमें मिल जाएगा कि नहीं, तो कहिएगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, तो ये भी बहुपद है। अब ये इसमें देखिए
एक्स वाई जेड तीनों को ना आपको बोले हैं, तो यहाँ पे एक्स तो मिल गया, कहिएगा हाँ एक्स तो मिल गया, लेकिन इसमें से कोई संख्या इसके माथा पर होना चाहिए। तो देखिए रूट के मतलब क्या होता है, रूट के मतलब होता है एक बटा दू। जैसे कि देखिए रूट एक्स है ना, तो एक्स को हम एक बटा दू ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बटा दू क्या इसमें हम कहीं लिखे हैं, एक बटा दू यानी एक्स के, यहाँ पे देखिए एक्स के पावर में एक बटा दू यानी रूट के ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले हैं एक्स वाई जेड इनमें से कोई संख्या होना चाहिए और इसके इसमें से कोई इसके माथा पर इसके पावर में कोई संख्या आ जाएगा तो बहुपद होगा। तो एक्स वाई जेड तो हाँ एक्स तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इसके पावर पर यानी इसके यानी रूट है, तो रूट का मतलब एक बटा दू होता है, एक बटा दू क्या इसमें आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बहुपद पहचानने के ट्रिक भी आपको एक से दो मिनट में, हालांकि एक मिनट में आप सीख गए। यानी एक्स वाई जेड देख लीजिए, एक्स वाई जेड यानी इसमें से कोई संख्या आप ढूंढिएगा, यानी एक्स वाई जेड होगा उसके माथा पर यानी इसके पावर पर कोई ना कोई इसमें से कोई संख्या आ जाएगा तो बहुपद होगा, नहीं आएगा तो बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 10 हो गया, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर 12 नंबर दोनों क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप बताइए कितना होगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, एक सेकंड लगेगा, ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, ऐसे आंसर ऐसे टिक कीजिएगा, वैसा ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए एक तो प्रोसेस हुआ कि इसको लॉन्ग प्रोसेस दोनों बताएंगे, हालांकि देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे इससे थोड़ा सा मोड़ते हैं, हालांकि चलिए यहीं पे आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए जब भी आपको यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक या त्रिघात बहुपद कुछ भी पूछे ना, तो हालांकि देखिए यहाँ पे जो भी अंक रहेगा, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है कि नहीं एक्स के साथ में, तो ये लास्ट वाला और अंत वाला में आप गुना कीजिएगा, दो में एक से गुना कीजिएगा तो ए दुए होगा, यानी एक में आप दो से गुना कीजिएगा तो दुए ना होगा, कहिएगा हाँ दुए होगा। तो देखिए जब भी ऐसे द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा जाता है तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, और यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसमें पहले गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो एक में दो से गुना कीजिएगा तो दुए हो जाएगा। अब देखिए अब जब दो आ गया ना, तो इसको वैसे भागों में तुरिए ना कि गुना करने पर दो आ जाना चाहिए और जोड़ने पर तीन आ जाना चाहिए, तो इसको ऐसे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, एक से काटिएगा तो एक, हालांकि देखिए एक से काटिएगा तो हालांकि एक बार में हालांकि एक से नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, एलसीएम लिया जाता है, यहाँ पे कोई अंक रहेगा तो एल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तीन रहेगा, तो तीन दूना छः, तो छः को ऐसे भागों में तोड़ना रहता है ना, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, यहाँ पे चल आना चाहिए जोड़ने पर और गुना करने पर उतना मान पूर जाना चाहिए, तो इसको ऐसे तोड़ा जाता है, तीन दूना छः, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दो आ गया ना, तो दो को गुना करने पर हालांकि दो आ जाना चाहिए और जोड़ने पर तीन आ जाना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक और दो, तो एक में दो से गुना करेंगे तो दो चलाएगा और दो को एगो जोड़ेंगे तो तीन यहाँ पे चलाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा कि दो में एक से गुना करेंगे तो दो तो चलेगा, यानी गुना करने पर यहाँ पे दो आ जाना चाहिए और जोड़ने पर तीन आ जाना चाहिए, तो एक में दो से गुना करेंगे तो दो आ जाएगा, दो को एगो जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, कहिएगा हाँ ऐसे तो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब हो सकता है ना, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर भी आप ऐसे प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिया, प्लस देने के बाद आंसर लिखने के बाद ये प्लस में है ना, तो आप माइनस में इसका आंसर ऐसे माइनस में लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, कहिएगा नहीं बुझाया, थोड़ा सा डाउट क्लियर कीजिए। और तो देखिए करना क्या है, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो लास्ट वाले और अंत वाले, ये शुरू वाले और यहां वाले जो लास्ट में रहेगा उसको पहले गुना कीजिएगा, तो गुना किए तो दो हो गया। अब इसको दो को वैसे भागों में तुरिए के यहाँ पे गुना करने पर दो आ जाना चाहिए और जोड़ने पर ये मान तीन आ जाना चाहिए, तो एक और दो कहिएगा, दो या एक में गुना करेंगे तो दो तो चलेगा और जोड़ेंगे तो फिर भी यहां पे तीन आ जाएगा, दो एगो तीन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पर भी आप ऐसे प्लस ऐसे दे दीजिए, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। प्लस था तो प्लस दे दिया, और आंसर लिखते समय यहाँ पे प्लस था ना, तो इसको उल्टा आप दे के, यानी प्लस है तो माइनस दे के ऐसे लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो हालांकि देखिए ये तो एक उदाहरण था, ठीक है, यानी इसमें बहुत सारा भी क्वेश्चन है, तो इसका एक स्पेशल वीडियो आपको ला देंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग प्रोसेस से आप बनाइएगा, तो देखिए लॉन्ग प्रोसेस से आप कैसे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर
उसी तरह है, दो में एक से गुणा कीजिएगा तो दुए होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए 2x प्लस ax प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम देखिए गुना यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये खाना 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गो यहाँ पे 2x और x जोड़ेंगे तो 3 गो यहाँ पे चलेगा, आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x या इसमें 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस या कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे x प्लस 2 ऐसे कॉमन ले लीजिए, ये वाला का जोड़ दीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से कोई भी एक अंक ले लीजिए x प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर यहां पे देखिए 0 तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इतना लंबा चारों ऐसे प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तब इसका आंसर निकलेगा, लेकिन मात्र 2 से 3 सेकंड में। ऐसे देखिएगा आंसर, ऐसे बताइएगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है। कि लास्ट वाले अंत वाले को यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, गुना करने पर यहाँ पे जो अंक या इसमें जो गुना किए हैं गुना करने पर उतना आना चाहिए, और जोड़ने पर यहाँ पे जो अंक रहेगा वो पूर जाना चाहिए। अगर पूर जाएगा तो कैसे लिखना है, 2 में 1 से गुना किए तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे अब इसको वैसे भागों में तोड़ना है कि इसको गुना करने पर 2 चाहिए यहाँ पे जो भी मानाएगा, और यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए। तो 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 आ गया, यानी गुना करने पर 2 आ जाएगा और जोड़ने पर 1 आ जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस था तो यहाँ पे ऐसे प्लस दे दीजिए, आंसर लिखते समय इसको निगेटिव यानी माइनस में दे दीजिए, ठीक है। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, -1 -2। बुझाया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, इस पे एक स्पेशल वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी आपको ये दोनों प्रोसेस आपको बुझा गया होगा, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos θ = 1 तो थीटा का मान कितना होगा। हालांकि देखिए गला भी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ रहा है, ठीक है, हालांकि खांसी भी हुआ था, चलिए चलेगा ये भी। जैसे कि देखिए यहाँ पे √2 cos θ = 1 है ना, तो ये देखिए कुछ में नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना में है ना, तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में चलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसे cos θ = 1/√2 है, इसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कहेगा हाँ लिख सकते हैं, कहे कि ये गुना में है, यहाँ पे 1 है, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो अब ये थीटा का मान यानी इसका मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए कि 1/√2 यानी कॉसे में किसका मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है, तो यहाँ पे ऐसे हम 45 लिख सकते हैं, यानी देखिए कॉस 45 को फिर तुरिएगा तो 1/2 चल नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो ये देखिए कॉस और ये कॉस खाली कट जाएगा, काहे कि ये गुना में है, इधर आ गया तो भाग में कट जाएगा, तो केवल थीटा बराबर कितना हुआ 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर यानी यहाँ पे चौथा है, हालांकि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। हालांकि देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए बस 2 सेकंड लगेगा, हालांकि ऐसे आप फिगर बनाते बनाते ऐसे हार जाइएगा। ए लिखिए, बी लिखिए, ऐसे सी लिखिए, sin θ = कितना होता है, sin θ = p/h होता है, जो यहाँ पे पी का मान 3 है 5 है, इसमें फिर रखिए, ये पी का मान हुआ तो यहाँ 3 रखिए, एच का मान हुआ है तो ये रखिए, फिर इसका मान पाइथागोरस का सूत्र लगा के निकालिए, बहुत लंबा चौड़ा में हो जाएगा, जब निकल जाएगा तो फिर कॉस थीटा के मान बताना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा में बनेगा। लेकिन ट्रिक आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बनाइए ना, एकदम 2 से 3 सेकंड में बनाइए ना, तो देखिए कैसे आप बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन को। देखिए हालांकि जब ऐसे जब मिलता तो ऐसे आप बनाते ना, ऐसे आपको पार पार के, तो देखिए ये क्या है कि ये ट्रिपलेट है, आप ट्रिपलेट नहीं जानते हैं, ठीक है। हालांकि एक दूसरा का जो वीडियो होगा उसमें ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है उसका आपको बताएंगे, हालांकि अभी आपको बताते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऐसे आप बनाते ना, ऐसे बनाकर आप इसका सूत्र आप निकालते ना, तो यहाँ पे एच के स्क्वायर ऐसे आप करके लंबा चौड़ा में बनता, लेकिन देखिए ट्रिपलेट क्या कहता है, ट्रिपलेट ये कहता है ना तो ये विषम संख्या होना चाहिए, ऊपर वाला विषम संख्या है ना, तो sin θ p/h होता है, तो ये p का मान हो गया, एच का मान हो गया और बी का मान नहीं है, यही ना है, बी का मान नहीं है, यानी cos θ = होता है b/h होता है, इसी का मान ना पूछा जा रहा है, तो एच का तो मानवा है यहाँ पे, बी का मानवा नहीं है, तो कैसे आप निकालेगा ट्रिपलेट
पॉइंट कहता है ना, यहाँ पे अगर विषम संख्या रहेगा तो ये तीन है ना, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तीन का स्क्वायर नौ, यानी स्क्वायर के मतलब कि यहाँ तीन का स्क्वायर के मतलब कि तीन को दो बार ऐसे गुना कीजिए, तो तीन तीन ही नौ हो जाएगा। और जब नौ हो गया तो इसको आधा कर दीजिए, अब इसको आधा कीजिएगा तो साढ़े चार हो जाएगा, और साढ़े चार हो जाएगा तो एक चार हो गया, एक पांच हो गया, यानी इसका इसका मान चार, एक चार हो गया, एक पांच हो गया, जो पहले से यहाँ पे, यानी चार जो यहाँ पे पहले से पांच दिया गया है ना, तो यहाँ पे देखिए ये एज का मान पहले से है, तो यहाँ पे जो कल क्या है ना, यहाँ पे चार ये बी का मान हो गया, काथी का मान हो गया, ये चार बी का मान हो गया, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एज, तो बी का मान चार हो गया और एज का मान यहाँ पे पांच हो गया, यानी चार बटा पांच ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो अब कहिए कि भैया ये ट्रिपलेट कैसे काम करता है ये अब बताइए। तो देखिए ट्रिपलेट ये कहता है ना, यहाँ पे विषम संख्या एक होना चाहिए, ठीक, जब विषम संख्या रहेगा उसका केवल स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करके आधा कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सात रहता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि पांच रहता, ठीक है, तो पांच के स्क्वायर कितना होता है, पांच के स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पांच, और यहाँ पे पांच बटा जैसे कि मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे रहता, ठीक है, तो ये विषम है ना, तो इसका स्क्वायर, तो पांच पच्चीस पच्चीस, और पच्चीस के आधा कर दीजिएगा, पच्चीस के आधा कीजिएगा तो साढ़े बारह हो जाएगा, और साढ़े बारह तो एक बारह हो गया, और एक इस पर से आगे बढ़ जाएगा तो एक तेरह हो जाएगा, बारह एक तेरह और एक पांच, यही तो इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, यानी दो गो मान हो गया तो एक तीसरा का मान तेरह हो जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं बुझा रहा होगा ये क्वेश्चन पर, अभी आपको बुझाया कि नहीं, एक ट्रिपलेट आपको लाएंगे, ठीक है, यानी वो उसका नाम ही, टॉपिक का नाम है ट्रिप, ठीक है। ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा जब ऐसे निकाला जाता है ना, उसको निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें बस ट्रिपलेट लगाइए, फटाक देना आंसर पाइए, ठीक है, उसमें दूसरा का वीडियो में, यानी इस पर से हालांकि एक द्विघात बहुपद वाला ला देंगे, ये द्विघात बहुपद जो था ना इस वाला, ये वाला ला देंगे, और एक ट्रिपलेट वाला ला देंगे, एकदम खटाक खटाक ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, ठीक है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक भी कर दीजिए। चलिए ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ऐसे करके बनाइएगा तो इसका भी मान चार आएगा, ठीक है, जब चार आ जाएगा तो कॉस थीटा के मान आप रख के ऐसे निकालिएगा, आंसर उतना ही आएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ये ट्रिपलेट अभी आपको नहीं बुझाया होगा, इसी क्वेश्चन में अभी बुझाया होगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें ट्रिपलेट के बारे में खूब बढ़िया से आपको बता देंगे। चलिए ये तेरह नंबर क्वेश्चन हो गया, चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। देखिए चौदह नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा यानी कॉस थीटा बराबर होगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो गुना में है ना, तो इधर आएगा तो ये भाग में नहीं हो जाएगा, तो तीन तीन नौ हो जाएगा, जो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, जो थीटा का मान यहाँ पे रखना दीजिए 30 मान, यानी कॉस 30, और बताइए इसका आंसर कॉस 30 का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रूट तीन बटा दो होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए चौदह नंबर हो गया, आप पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, पंद्रह सोलह सत्रह बताइए ये तीनों का आंसर कितना होगा। देखिए यानी क्या दिया गया कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना सेंटीमीटर हो तो इसका त्रिज्या कितना होगा, एक ध्यान से आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, परिमाप कहिए या परिधि कहिए या परिमिति कहिए, परिमिति तीनों एक ही होता है, या परिधि दिया जाएगा या परिमाप दिया जाएगा या परिधि दिया जाएगा या परिमिति दिया जाएगा, तीनों में से कोई भी दिया जाए सेम एक ही बात होता है, ठीक है। तो यानी अर्धवृत्त का परिमिति कितना होता है, अर्धवृत्त का परिमिति r इंटू पाई प्लस टू होता है, अर्धवृत्त का परिमिति या परिमिति या परिमित या परिधि या परिमाप या परिधि तीनों एक होता है, जो इतना होता है, यानी अर्धवृत्त यहाँ पे लिखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि इतना होता है। हालांकि इसका सूत्र इतना होता है, यानी परिमाप इतना सेंटीमीटर दिया है लेकिन इसका सूत्र इतना होता है, इतना सूत्र है, जैसे कि देखिए अर्धवृत्त का परिमाप तो देबे किया है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर ऐसे आप रख लीजिए, और इसका सूत्र ही होता है आर इंटू पाई प्लस दो होता है, इतना होता है। तो अब पहले इसको हल कीजिए, देखिए पाई का मान 180 डिग्री भी होता है, पाई बटा 22 बटा 7 भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 22 बटा 7 का प्रयोग कीजिएगा, 22 बटा 7 इंटू दो, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है, क्या है, एक है, एलसीएम ले लीजिएगा, 7 एक का एलसीएम लीजिएगा तो 7 होगा, ये तो 22 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये आर है बराबर में यहाँ पे 36 है, बुझा रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए यहाँ पे 36 बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं, अब इसको जोड़ दिए, चार गो दो गो छ गो दो गो एक गो तीन गो और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए
ऐसे तिरछा तिरछे ऐसे गुना कर लीजिए। तो देखिए ये गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, आ ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कुछ नहीं तो एक है, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी आर को हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना परिक्ता नहीं हो सकती, यानी ये बोल रहा है ना कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रोबेबिलिटी यानी परिक्ता नहीं हो सकता है। तो एक ध्यान से आप सुन लीजिए, कभी भी ना प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से जब भी होगा ना कम में होगा, तो 1 से ये ज्यादा है ना तो ये नहीं हो सकता है, 1 से कम है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। क्या होगा, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, और इसका मान कभी भी माइनस में 0 से कम भी नहीं हो सकता है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, इसके बीच में होगा, कभी भी परिक्ता के मान माइनस में यानी निगेटिव में नहीं होगा। यानी अब देखिए यहीं पे है कि एक असंभव घटना की परिक्ता कितना होता है, असंभव घटना की परिक्ता 0 होता है, असंभव घटना की परिक्ता 1 होता है, कितना होता है, संभव घटना की परिक्ता 1 होता है। अगर यहीं पे और पूछा जाएगा कि अधिकतम परिक्ता का मान कितना होता है, तो 1 होता है, न्यूनतम परिक्ता के मान यानी सबसे कम परिक्ता के मान 0 होता है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए बस इसमें इतना ही है, दोनों पर यानी कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ये साइन है ट्रिपलेट वाला पर, और ये बहुपद को कैसे, बहुपद के शून्यकों को आप कैसे ट्रिक से निकालिएगा, एक तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस बहुत ज्यादा में ऐसे हमको बनाना पड़ेगा, एक हुआ ट्रिक वाला, ट्रिक वाला पूरा उसमें 10-12 को टाइप का क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे देखिएगा बताइएगा, देखिएगा बताइएगा, वैसा ट्रिक आपको सिखाएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए बस इसमें इतना ही, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।